देखो क्या बनाया। ये है चॉकलेट बॉल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। अभी हम जा रहे हैं जी सारा और आयजा को स्कूल छोड़ने। आज जो है वो बहुत ज्यादा ठंड है, हल्की सी बर्फबारी भी हुई है, इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। तो चलें चलते हैं सारा और आयजा को स्कूल लेने। आ गई हो? ये क्या बनाया है? ये सारा का हाउस है। ये सारा का हाउस है? सारा का नाम लिखा हुआ है। ये किसने बनाया है? मैंने। अच्छा, किधर बनाया? स्कूल में? हाँ। भाई ठंड है आज। हाँ। मुंह से धुआं निकल रहा है? हाँ? मुंह से धुआं निकल रहा है? नहीं। तो सुबह आइस स्नो हुई थी ना? स्नो सुबह थोड़ी सी आइस स्नो। आयजा अभी आ गई है स्कूल से। आ गई। ओके, ये देखो, ये मेरी कैप क्यों पहन ली है? ये तो मेरा कैप है ना। कौन सा मेरा? ये है मेरा, ये वाला। मैंने आज रेड कैप पहन के जाना है। ठीक है, चलो दे दो मुझे रेड कैप। चलो, मेरा ब्लैक वाला है। ओके। चलो ठीक है। आप चले घर। सारा और आयजा को हम स्कूल से जो है जी जनाब वापस लेके आ चुके हैं। अब इनको लगी हुई है भूख, तो अब ये मैं इनके लिए बनाने लगी हूँ। ये है चॉकलेट बॉल, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। स्कूल से वापस आने के बाद ये खाती हैं, और इनको जो बनाना है वो बहुत ईजी है। इनको बस आपने प्लेट में डालना है, और इसमें फिर आपने दूध ऐड कर देना है। दूध जो है वो आप गर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये ठंडे दूध में। जी हमने बनाई थी कढ़ी, लेकिन इनको ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो अब मैं अंडे और प्याज का जो है वो सालन बनाने लगी हूँ, और साथ में हल्के से मक्खन लगा के तो पराठे बनाऊंगी। ये प्याज मैं जल्दी जल्दी से काट रही हूँ, साथ में आटा गूंदूंगी। आटा भी जो है वो हमारा ख़त्म हो गया, इसके बाद ही हम पराठे बनाएंगे और अंडों के साथ, अंडे और प्याज के सालन के साथ इंजॉय करेंगे। जी ये देखें, हमारा अंडे और प्याज का जो सालन है वो तैयार रेडी हो गया है। अब बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है। इसमें जस्ट मैंने प्याज डाले हैं, अंडे डाले हैं, थोड़ी सी सबज मिर्च, नमक और थोड़ी सी सुरख जो मिर्च है वो मैंने डाली है। तवा जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, आटा भी मैंने गूंद लिया है। इनको बहुत ज़्यादा लगी हुई है भूख, तो अब हम बनाएंगे जल्दी से पराठे। जी एक पराठा मैंने ऊपर डाल दिया, अब इसके ऊपर हल्का सा मैंने मक्खन निकाल दिया, और बाकी जो पराठे हैं उनके मैंने पेड़े बना के रख दिए, ताकि उनको थोड़ी रेस्ट मिल जाए और वो जो पराठे हैं वो अच्छी तरह से फिर बेले जाते हैं। जी ये हमारा अंडे और जो पराठा है वो रेडी हो चुका है, साथ में जो है वो थोड़ा सा जो कढ़ी का सालन है वो भी गर्म कर रही हूँ। सारा के लिए मैंने पराठा बनाया था, लेकिन सारा जो है वो कह रही है कि मैंने अब पराठा नहीं खाना, उसकी जो सुई है वो रेड पास्ते पे जो अड़ गई है। तो आज आयजा भी कह रही है कि उन्होंने रेड पास्ता खाना है, और सारा भी जिद कर रही है कि जी हमें रेड पास्ता बना के दे, तो इसलिए मैं अब उनके लिए रेड जो है पास्ता बना रही हूँ। जी तो इधर जो है वो रेड पास्ते के लिए मैंने सॉस बनाई है, मैंने टमाटर का पेस्ट मैंने डाला है, और फिश डाली है, थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, और इधर मैंने जो है वो पास्ता जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया है। तकरीबन जो पास्ता है अब वो बॉईल हो गया है, अब हम इसको उतारेंगे और इसका पानी जो है वो ड्रेन कर देंगे। ये पास्ता देखें बॉयल हो गया, अब इसको रेड सॉस में डालेंगे और 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे, ताकि जो इसके सॉस है इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। ये देखें जी हम पास्ता डाल रहे हैं सॉस में, अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, ताकि जो ये अच्छी तरह से कुक हो जाए।
जी तो जनाब ये हमारा जो है पास्ता वो रेडी हो गया है, अब मैं इसके प्लेट में डालने लगी हूँ, फिर सारा और आयजा को खिलाऊंगी। ये देखें जी गरम गरम पास्ता, इसके ऊपर थोड़ा सा जैतून का तेल डालेंगे। कैसा दिन गुजरा मेरे बेटे का? अच्छा, आज को अम्मा पता क्या आज को? आज म्यूजिक किया था। स्कूल का काम मिला? क्या खाना है? मैंने पराठा बनाया और पास्ता बनाया, क्या खाओगी आप? पैनकेक। ले जी जनाब एक और फरमाइश, बच्चे जो हैं वो डिफरेंट फरमाइशें करते हैं। सारा पहले कह रही थी पास्ता खाना है और अब आयशा जो है वो कह रही है कि पैनकेक खाना है। और आयजा भी पास्ता ही खाया है, पापा ने पराठा खाया। जी व्यूअर्स कैसा लगा आज का व्लॉग आपको? यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सारा और आयजा ने तो अपना पास्ता खूब इंजॉय किया है और आयशा जब स्कूल से आएंगी तो मैंने इनको पैनकेक बना के दिया था, ये कह रही थी कि मैंने पैनकेक खाना है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जल्दी इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आयशा अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। टेक केयर।